वैसे तो सियासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अद्भुत लोग भी रहते हैं जिसके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी। भगवती सोनगिरी रिटायर्ड टीचर है, यह राघोगढ़ किले के निवास उसके अंदर करती है। भगवान शिव के भक्त है, वही किले में आसपास लोगों का वहां पर और स्वयं के बेटे का कहना है कि पिताजी 5 डिग्री तापमान हो या 45 डिग्री सुबह शाम इसी तरह से आग जला कर तापते हैं। वही भगवती सोनगिरा ने जब INH 24 से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे आग तापने की आदत सी पड़ गई है। सुबह कितना तापमान हो या गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे लेना होता है। और वही तपती आपको ये भी बता दे कि तापने की याद आती है और मुझे आग जलाकर उसके सामने बैठता हूँ। और इतना ही नहीं, भगवती सोनगिरा राग को अपने शरीर पर लपेट लेती है और उसे खा भी लेती है। भगवती सोनगिरा से बातचीत की हमारे संवाददाता स्वाति शर्मा ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। आपके बारे में सुना है कि आप हमेशा तापते हैं, 45 डिग्री तापमान भी होगा तब भी ताप रहे हैं। हाँ, 45 डिग्री होता है तब भी मैं तापता हूँ। भरी गर्मी में क्यों तापते हैं? मेरी आदत पड़ गई है सर्दी गर्मी हमेशा। हाँ, अगर मैं जिस डिग्री नहीं जलाऊ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए 12 महीना 2 टाइम जलाता हूँ, सुबह शाम। अब ये 9 बजे तक बंद होगी अभी। तो गर्मियों में सर्दी लगती है, आप इसलिए तापते हैं कि आदत पड़ गई है? आदत पड़ गई है मेरी तापने की। गर्मियों में बरसात में सर्दियों में सब टाइम साल तापना, सुबह शाम दोनों टाइम तापते हैं। पसीना नहीं आता आपको? नहीं, कहाँ राजी बैठो। नहीं, अभी तो सर्दियां हैं जैसे आप बोल रहे हैं, गर्मियों में भी ताप नहीं आता, पसीना नहीं आता है। तो क्या आप अंदर से सर्दी लगती है, क्या ऐसा क्यों होता? कुछ नहीं लगता, वो तो मेरी आदत पड़ गई है। ये कुछ लोग बता रहे थे कि दादा जो है वो हमेशा तापते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आप तो हमारे दादाजी भी तापते थे ऐसे ही। अच्छा, इसी प्रकार से धुना जात लग रहता था, वही उनका खाना बनाते थे वो, तो वो आदत इनको लग गई है। और ये तो ऊपर से हाथ पे राखोड़ी तक लगा देते हैं, हाथ पे गर्मी दिन भर तो कट्टा भरा हुआ थे रखी भर के। तो इनके पिताजी भी ऐसे करते? हाँ, हमारे दादा गर्मी में तापते थे, ऐसी तापते और राख भी लगाते थे। राख भी लगाते थे। अच्छा, तो वो ही आदत पड़ गई, वो आदत पड़ी इनकी। शिव भक्त थे वो।